इस चिलचिलाती गर्मी में जब भी आपको कुछ ठंडा ठंडा हेल्दी जूस पीने का मन हो तो आप इस ड्रिंक को बनाकर पी सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो हेल्दी और टेस्टी तो है ही, साथ में इसको आप फटाफट से 2 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हो। जैसा कि आपको पता ही होगा, पपीता में बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं, तो मार्केट की पैकेट बंद जूस पीने से काफी अच्छा है कि आप इस हेल्दी और फ्रेश जूस को घर पर ही बनाकर रेडी कर लो। इसे हम बिना चीनी के बनाएंगे, तो इसको आप बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी को पिला सकते हो। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम पपीता को छीलकर इसके सीड को निकाल लेंगे और फिर इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ मैंने आधे पपीते का यूज किया है, इससे 4 गिलास थिक जूस बनकर रेडी हो जाता है। तो सारे कटे हुए पपीता को हम ब्लेंडर जार में ऐड कर देंगे, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मिश्री। पपीता ऑलरेडी मीठा होता है तो आप इसमें थोड़ा सा मिश्री ही ऐड करना। साथ में इसमें हम आइस क्यूब ऐड कर देंगे और साथ में 2 छोटी हरी इलायची ऐड कर देंगे। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। सभी चीजों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आप चाहो तो इसे छान कर भी पी सकते हो या ऐसे ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पी सकते हो। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। जूस की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर आपको थिक जूस पसंद है तो आप इसमें कम पानी ऐड करना। जूस को यहाँ मैंने छान लिया है, तो अब इसे हम ग्लास में सर्व करेंगे। गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है तो ग्लास में हम थोड़ा सा आइस क्यूब भी ऐड कर देंगे, इससे जूस की जो थिकनेस है वो भी बैलेंस हो जाएगी। और जूस ऐड करने के बाद इसको हम एक बार चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो ऊपर से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। अभी इसको मैंने सिंपल रखा है, तो हमारी पपाया जूस बनकर रेडी है। इस गर्मी आप इसको बनाकर जरूर ट्राई करना। इसको पीकर आपको इस चिलचिलाती गर्मी में काफी ठंडक मिलेगा। घर में बनाएंगे मार्केट से भी अच्छा पपाया शेक, और इसको बनाना काफी इजी है। काफी कम टाइम में आप इसको घर में बना सकते हो। पपाया शेक बनाने के लिए सबसे पहले हम पपाया को छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। यहाँ मैंने पपाया को कट करके रख लिया था, जो लगभग 1 कप जितना है। पपाया को हम मिक्सचर जार में ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें 1 कप आइस के क्यूब्स को डालेंगे, 1 कप दूध ऐड करेंगे, 2 छोटी वाली हरी इलायची डाल देंगे, 2 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हो। 2 स्कूप वेनिला आइसक्रीम डाल देंगे। आप चाहो तो वेनिला आइसक्रीम की जगह और भी कोई दूसरा आइसक्रीम ले सकते हो, या फिर चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और अगर आपको इसे और हेल्दी बनाना है तो आप इसमें चीनी की जगह मिश्री ऐड कर देना। सभी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारी पपाया मिल्कशेक रेडी है। इसको अब हम ग्लास में निकाल कर सर्व कर लेंगे। आपको इस मिल्कशेक को ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है। मिल्कशेक बनाने के बाद आप इसे जल्दी ही पी लें, अदरवाइज मिल्कशेक थिक होने लगती है। आप चाहो तो मिल्कशेक को ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर सकते हो। तो हमारी इजी और टेस्टी पपाया शेक बनकर रेडी है।